खबर विदिशा मध्य प्रदेश से है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज के नेतृत्व में जिले भर में एकत्रित हुए किसानों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर में उमाशंकर भार्गव के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि विदिशा जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से खराब हुई फसलों का मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ सवाल भी शासन प्रशासन से किए गए कि प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि सरकार ने 50% नुकसान होने वाले किसानों को 32,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन 50 से कम वाले किसान कहां जाएंगे? क्या मांगों को लेकर भाई साहब आवाज मत देना करना है। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं। इस महीने में लगातार 4 से 5 बार विदिशा जिले में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि देखने में ये आ रहा है कि ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में तो कलेक्टर साहब भी गए हैं, SDM भी गए, लेकिन जो अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। वो सारे किसान आज हमारे साथ हैं, अपनी पीड़ा को लेके आए हैं, क्योंकि अगर मान लो ओला नहीं गिरता तो अतिवृष्टि का सर्वे कराते ना, नहीं कराते। और अगर प्रशासन के पास हमला नहीं है तो बहुत सारे बेरोजगार नौजवान लटका रहे हैं भोपाल में, उनको पटवारी बना दो। दूसरा ये देखने में आ रहा है कि CM साहब ने परसों ये कहा कि 32,000 रुपये हेक्टेयर 50% से ज़्यादा के नुकसान वाले किसान को देंगे, तो भैया जो 50 से कम नुकसान वाला है उसको क्या मिलने वाला ये भी बता दो। फिर वो कह रहे हैं कि जिनके फसल में पीड़ित किसान है उससे हम ब्याज नहीं लेंगे, उससे हम ऋण नहीं लेंगे। 31 मार्च हमारी डेडलाइन आने वाली है, अब तुम्हारी नज़र में कौन पीड़ित है कौन नहीं है ये भी हमें बता दो, ये जानने हम कलेक्टर साहब से आए। दूसरा, ओला पट्टी पकड़ के चलता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे हल्का में एक साथ ओला गिर जाए, इसलिए खेत को ही इकाई मान के सर्वे करा जाए। इस मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जो सवाल हमारे हैं, हम बाल लेके आए भैया, ये देखो ये अतिवृष्टि में आड़ी हो गई फसलों का नुकसान, क्या ये नुकसान नहीं है? अतिवृष्टि में ये लोग कहते हैं कि गेहूं की फसल आड़ी हो जाएगी तो क्रॉप कटिंग सर्वे में देखेंगे, क्यों देखोगे क्रॉप कटिंग सर्वे में? जब आपको पता है कि बाल जब आड़ी होती है और नीचे जब सूरज की तोशनी पड़ेगी भाप बन के पूरी बाल सड़ जाएगी, चना सड़ गया है, हमारा पड़ा हुआ धनिया काला हो गया है, मसूर पूरी नष्ट हो चुकी है, हमारी सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। जब प्रथम दृष्टिया में सारी चीज़ें दिख रही हैं तो हम मांग करने आए कि साहब कम से कम पहली किस्त तो रिलीज कर दो 31 तारीख से पहले, ताकि हम अपनी किस्त जमा कर दें, और अगर पहली किस्त रिलीज नहीं कर रहे हो तो अविलंब 31 तारीख की डेट बढ़ाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय यह है कि इस जिले के रसूखदार लोगों के प्रेशर में आके हमारे तुलाई केंद्र शिफ्ट कर दिए जाते हैं। भाई आज तुलाई केंद्र मेरे गाँव के पास है, कल मेरा तुलाई केंद्र पहुंच गया 12 किलोमीटर, पूछो तो कहते हैं साहब ये नियमावली में आता है। तो हम वो नियमावली कलेक्टर साहब से जानने आए हैं कि ऐसी कैसी नियमावली है कि कराइए हाट के एक वेयर हाउस में पिछले साल तुलाई हुई, अब वो वेयर हाउस भर गया, हम मानते उसमें तुलाई नहीं होगी, तो दूसरा खाली वेयर हाउस कराइए हाट गांव में पड़ा है, आप उसमें केंद्र बना दो। आपने 12 किलोमीटर दूर रोड पे वो भी हाईवे पे क्यों बना दिया? हम इंसान नहीं है कि साहब हाईवे पे ट्रक निकलते हैं धूप में बैठे रहेंगे। दूसरा, आसट का मामला है बासोदा तहसील का, है ना, वहां पे भी यही किया है। जब हमारे गांवों में वेयर हाउस बन रहे हैं, किसानों के लोग किसानों के बच्चे अपना सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, तो फिर रसूखदार लोगों के यहीं वेयर हाउस का केंद्र बनाया जाएगा, ये कौन सा नियमावली है? वो नियमावली हम कलेक्टर साहब से आज समझने आए हैं और ये सारे सवाल के जवाब लेके जाएंगे।